जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला है। पहली बार अपार जन समर्थन मिला और कम से कम 30,000 वोट से हम चुनाव जीते हैं गठिया विधानसभा। जिस दिन मतदान हुआ, मतदान केंद्रों पे परिणाम आपको मालूम पड़ जाता। पहली बात तो है कि मतदाताओं का प्रेम, स्नेह, उनका आशीर्वाद मेरे पर है। मंगलनाथ जी के दर्शन किए और सांवरिया सेठ जी के दर्शन किए और उनसे हमको पूरा भरोसा है कि भगवान का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति, आप देख रहे हैं सत्य खबर और अभी हमारे साथ मौजूद है घटिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय जी। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है। जी मालवीय जी, इस बार क्या लगता है आपको, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया होगा? जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं घटिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम मतदाताओं को और जिनने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दिया, उन सबका आभारी हूँ मैं। और इतना जन समर्थन मुझे पहली बार मिला है, जो मैं ये छठा चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन मुझे जो जन समर्थन मिला, पहली बार अपार जन समर्थन मिला और कम से कम 30,000 वोट से हम चुनाव जीते हैं घटिया विधानसभा। आप कहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम जीत को लेकर आश्वस्त है और 30,000 वोटों के साथ इस बार जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कुछ और ही मानना है। बीजेपी बोल रही है कि इस बार तो हम ही जो है एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। वो उनका अपना अपना वो, मैं तो पब्लिक में जो मतदाताओं के बीच में गया उनके उससे कह रहा हूँ, जो वोट हमको गिरा है, जहाँ वोट, जिस दिन मतदान हुआ, मतदान केंद्रों पे परिणाम आपको मालूम पड़ जाता कौन कार्यकर्ता आपके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसी दिन आपको गणित लग जाता है कि हम लोग चुनाव इस पोलिंग पे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसलिए जो हम लोग मतदान हमारे पक्ष में हो, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मतदाताओं ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके आधार पर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। जी, और अगला सवाल मैं करना चाहूंगी कि पहले भी आप जो है घटिया विधानसभा से विधायक रहे हैं और ऐसी क्या खास बात है कि इस बार आप इतने उससे भी बोल रहे हैं कि इस बार मतदाताओं ने जो है कार्यों को देखकर, तो ऐसी क्या खास बात है कि इस बार जो है एक बार फिर से जनता आपको चुना होगा या उन्होंने आपके लिए मतदान किया होगा? पहली बात तो है कि मतदाताओं का प्रेम, स्नेह, उनका आशीर्वाद मेरे पर है। दूसरा, माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार का कार्यकाल प्लस जो अभी वचन पत्र हमारा जो आया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी के कामों को और वचन पत्र को आधार मानकर पब्लिक ने, मतदाताओं ने वोट दिया है, इसलिए उनका रुझान कांग्रेस के प्रति और हमारे प्रति रहा। और दूसरी बात रही हमारे जो मतदाताओं की, तो जो मेरे घटिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, आशीर्वाददाता हैं, मतदाता हैं, उनका सबका रुझान मेरे प्रति था, उनका स्नेह, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं किसान आदमी हूँ और उसके आधार पर कह सकता हूँ कि किसानों का समर्थन, आम लोगों का, मतदाताओं का मेरे पास, मेरे ऊपर रहा है उनका आशीर्वाद, और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जीत का आंकड़ा 30,000 के आसपास रहेगा। अच्छा, अगर 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी और कमलनाथ सरकार की क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आने वाले दिनों में या जनता के लिए? जो हमने वचन पत्र में लोग मतदाताओं को या हमारे क्षेत्र के जन आशीर्वाददाताओं को ये विश्वास दिलाया, उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारे जो अपूर्ण काम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारों को रोजगार देना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब काम हमारे उसमें है, हम उसमें करेंगे और उसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि हम सरकार बनने के बाद प्राथमिकता से उनके काम करें। काल भैरव, उज्जैन में काल भैरव भगवान के दर्शन किए, मंगलनाथ जी के दर्शन किए और सांवरिया सेठ जी के दर्शन किए और उनसे हमको पूरा भरोसा है कि भगवान का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। धन्यवाद सर। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी घटिया विधानसभा से रामलाल मालवीय जी, जो जिनका आचरण तो बहुत सरल है और इसी सरल अंदाज में उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जो है वोटिंग हो चुकी है, 3 दिसंबर को जो है सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, यानी कि रिजल्ट्स की घोषणा होगी। जो कुछ भी होगा आने वाले समय में सत्य खबर आपके साथ पल पल की अपडेट साझा करता रहेगा। आपकी क्या राय है आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य खबर। मैं हूं श्रुति। सत्य, सटीक, बेबाक।